शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर में सिलसिलेवार हो रहे चोरियों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदरी चौक बाजार में आधा दर्जन से अधिक दुकानों में चोरियां हुई थी, जिनके आरोपी तक कोतवाली पुलिस अभी पहुंच नहीं पाई थी कि शहर में एक और भूत चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। दरअसल बीते रात शहर के पुराने बस स्टैंड के पास राहुल गोयल के ऑफिस में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि चोरों द्वारा चोरी के सामान एक लैपटॉप एवं टुल्लू पंप को रात में ही पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान चोरी का सामान और चोर की साइकिल बरामद कर लिया, मगर चोर रात का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं सीसीटीवी कैमरे में चोर का वीडियो कैद हो गया। वहीं कोतवाली प्रभारी की माने तो चोरी करने वाले नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लग रहे हैं, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। अब देखना होगा कि शहर के बीचों बीच एक साथ आधा दर्जन से अधिक दुकानों में हुई चोरी और बीते रात हुई चोरी के आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है, या ये चोर और चोरी की घटना को अंजाम देने में सफल होते हैं। Do my two-step. जी सर, बता देंगे बीती रात फिर से चोरी हुई, कहाँ चोरी हुई, किस तरह से पकड़ा गया है? ये पुराना बस स्टैंड के पास एक नेपाली लाज के सामने राहुल गोयल करके हैं, जिनका फार्म हाउस घर है, जहाँ पे उनके ऑफिस में लैपटॉप चोरी गया है, एक टुल्लू पंप, जिसको रात में ही पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें आरोपी तो भाग गया, जिनके एक लैपटॉप टुल्लू पंप और उसका साइकिल उसको पकड़े हैं। क्या लग सकता है लगातार चोरी हो रही है, कौन लोग हैं चोरी करने वाले? चोरी करने वाले अभी तक जैसे सीसीटीवी फुटेज में आए तो नशीली दवा जो सेवन करते हैं वही लग रहे हैं, बाकी अभी तस्दीक किया जा रहा है। ठीक।